वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि आंसर की का लिंक जो है वो जनरेट कर दिया गया है एसएससी की तरफ से सीजीएल 2022, ठीक है, सीजीएल 2022 मेंस का जो आंसर की है उसका लिंक जो है वो जनरेट कर दिया गया है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी आंसर की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आपका अभी आंसर की आई नहीं है उसी लिंक पर आएगी। अगर नहीं आता उस लिंक पर तो मैं आपको अपडेट करूंगा, हम लोग अपडेट आपको कर देंगे कि किस लिंक पे आता है और वो लिंक आपको मिल जाएगा। अभी के लिए लिंक जो जनरेट हुई है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आंसर की आई नहीं है, जैसे ही आती है उसका लेटेस्ट अपडेट आपको हम देते हैं। अब आंसर की आ रही है तो हम देखते हैं कि भाई क्या आपका रिजल्ट डेट है वो क्या रह सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस का जो रिजल्ट है वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसका मेंस का रिजल्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सीजीएल मेंस में दो एग्जामिनेशन हुए, कंप्यूटर और डेस्ट का, और साथ ही आपका सेशन वन और सेशन टू जिसमें आपके चार सब्जेक्ट देखने के लिए मिले। तो इनका रिजल्ट साथ में आएगा या फिर अलग अलग आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और आएगा तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सब आपको यहाँ पर मिलेगी। और अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपके लिए मिल रहा है आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए, आपको सरकारी नौकरी के पास ले जाने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें आपका अप टू 40% इंस्टेंट ऑफ होगा आपकी फ़ीस में, जो कि फ़ीस आपकी 5138 हो जाएगी, ठीक है, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो PMYT डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है स्लाइड जिसमें हमने दिखा है टीयर टू का जो आंसर की है, ठीक है, उसको आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, 13 से लेके 17 मार्च के बीच में। अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो 13 से 15 मार्च, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्री का देखा तो प्री में भी 3 से 4 दिन के बाद जो है वो आपका आफ्टर 4 डेज जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया गया था एसएससी की तरफ से। तो मेंस का भी मुझे लगता है कि 13 से 15 के बीच में आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है। थोड़ा सा लेट होगा तो 17 मार्च से पहले पहले तो आपका देखने के लिए आंसर की मिल जाएगा। अगर मैं टीयर टू की बात करूं जिसमें रिजल्ट डेट की, अगर मैं हम लोग एक्सपेक्टेड डेट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 30 मार्च के बीच में। कुछ और बातें हम लोग करेंगे, किस बेस पे हम ये बात कर रहे हैं उसकी बातें आगे हम लोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बेस्ट, अच्छा हाँ, ये रिजल्ट जो है वो अलग अलग बनेगा या फिर एक साथ आने वाला है उसकी बात भी कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द इन सेशन वन एंड सेशन टू ऑफ पेपर फर्स्ट एंड टीयर पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर टू एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपका सेशन वन है जिसमें मैथ और रीजनिंग है, सेशन टू जिसमें इंग्लिश और जीए है। ये जो दोनों ही आपका सेशन वन पेपर फर्स्ट है जिसमें दोनों सेशन है, प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूँ इन दो सेशन का, तो इनका रिजल्ट आपको पहले देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे थर्ड सेशन के लिए, यहाँ पे आपका देखो थर्ड सेशन है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और थर्ड सेशन यहाँ पे आपका है मॉड्यूल फर्स्ट का कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि CPT टेस्ट जो है उन्हीं की कॉपी चेक होगी या फिर CPT का रिजल्ट उन्हीं का आएगा जो लोग इस सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड में पास होंगे। पासिंग मार्क जो है वो आपका 30% यूआर कैटेगरी का है, 25% OBC और बाकी का 20%, ठीक है, ऐसे पासिंग मार्क रखा गया है। तो पासिंग मार्क जिसका जो भी क्वालिफाई हो जाएंगे उनका ये आपका चेक किया जाएगा, क्या CPT और टेस्ट, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आगे, द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड विल नॉट बी एलिजिबल टू इवेलुएट द सेशन थर्ड एंड दे विल नॉट द कंसिडर्ड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपकी जो कंप्यूटर यानी CPT और डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट है वो आपका चेक नहीं होगा, ठीक है, यानी आप आगे वाले प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा पहले आपका सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड का आएगा जिसमें चार सब्जेक्ट के टेस्ट हुए थे आपके, उसके बाद आपका होगा क्या कंप्यूटर एंड टाइपिंग का जो है वो अलग से डेट आएगा, रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है, और उस रिजल्ट के बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो भर सकते हैं। तो अगर हम बात करें टीयर वन का रिजल्ट जो आया था वो एग्जामिनेशन के 55 दिन के बाद आया था आफ्टर 55 डेज, तो टीयर टू का रिजल्ट का डेट अगर हम बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45 दिन के बाद ये आ जाए, यानी आफ्टर 45 डेज। तो हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे हमने बात की ये आपका
20 से 30 अप्रैल है। अगर इससे लेट होता है तो आप समझ लो कि 20 से 5 मई के बीच में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। टीयर टू एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। किसका रिजल्ट? तो अगर हम बात करें सेशन 1 और सेशन 2 का, जो कि आपका चारों सब्जेक्ट का हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भी, क्योंकि आप, मैंने पहले ही बताया कि 390 नंबर के पहले आपको जो है कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर और टेस्ट का, तो कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट का फिर रिजल्ट अलग से आएगा। वो रिजल्ट आपका 3 से लेके 10 जून के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। यानी डेयर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो टीयर 1 टीयर 2 का रिजल्ट है, दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट का रिजल्ट जो कि सेशन 1 और सेशन 2 का है, वो रिजल्ट आपका 20 से 30 अप्रैल या फिर 5 मई तक के देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट की बात करें, तो 3 से लेकर 10 जून के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि इसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिले। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें स्टोर बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अप टू 40% ऑफ है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग भी SSC की तैयारी कर रहे हैं और टारगेट करेंगे 2023 में उनको नौकरी मिले, एक बेहतरीन बढ़िया नौकरी, तो उनके लिए 5183 में आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, और 4319 में आपको, प्यारे विद्यार्थियों, मिलेगा जो सब्सक्रिप्शन किसका, 12 मंथ का, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज करते हैं। साथ ही आपको दिल्ली पुलिस का बैच आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें सारे टॉप एजुकेटर आपको मिलने वाले हैं। SSC CGL 2023 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में रखते हुए। सिलेक्शन फेज 11 का जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई है, उसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिली, यहाँ पे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। स्टोर बेनिफिट्स की बात करें तो एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्स बैच, फुल लेंथ टेस्ट आप यूज कर यहाँ पे दे सकते हैं, मिनी टेस्ट भी आप दे सकते हैं, डेली अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस से टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो तैयारी है वो उस जांच की जाएगी। और PDF प्लस नोट्स दोनों ही फॉर्म में आपको मिलेगा, यानी नोट्स क्या है वो बुक के फॉर्म में मिलेगा आपको। तो जो लोग भी बाहर है, मान लीजिए आप बुक नहीं लेके जा पाए, तो आप PDF से अपनी जो नोट्स है उससे आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको 40% ऑफ का फायदा उठाएं और अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, और ये रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाय बाय, गुड नाइट।